अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज शामी और शिकमपुर बनाने की तैयारी कर रही हूँ, इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएगी। ये मटन है 2.5 kg, इसमें मैंने 100 ग्राम चने की दाल डाली है, सिर्फ वॉश की और ऐड कर दी है। और ये लाल मिर्च है 2.5 teaspoon, 1/2 चम्मच। आप मिर्च कम ज़्यादा कर सकती हैं आपके हिसाब से, और नमक हसबे ज़रूरत, हल्दी 1 teaspoonful और जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 से 3 चम्मच फुल। और कुछ हरी मिर्ची भी ऐड की है मैंने 2 से 4 अदद। और ये चिकन मसाला पाउडर है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो गरम मसाला भी ऐड कर सकती हैं इसके बजाय 2 से 2.5 चम्मच फुल। और इसको मैंने हाथों से मिक्स किया है, आप चाहे तो स्पून से या फिर ग्लव्स पहन के मिक्स करिएगा। पानी ऐड कर लीजिए गोश्त की क्वालिटी देखते हुए, अगर गोश्त नरम है तो कम पानी ऐड करिए, अगर गोश्त थोड़ा सा हार्ड है तो थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड कर लीजिए। ये ऑयल डाला है मैंने 1.5 teaspoonful और ये गोश्त बिल्कुल गल चुका और पानी सूख रहा है उसमें। और ये मैंने खोपरा, सूखा खोपरा, फली और खसखस ली है, खोपरा और फली 100 ग्राम, खसखस 2 tablespoon है। ये मिक्सचर है जो गला लिया था मैंने, और ये खोपरा, फली और खसखस का पाउडर है, इसे भी एक ब्लेंड दे दीजिए और मिक्स कर लीजिए सारे मटन मिक्सचर के साथ इक्वली। थोड़ा सा गूंद लें ताकि इक्वल टेस्ट हो जाए पूरों का। और शामी बनाने की शेप तैयार कर रही हूँ, थोड़ा सा हल्का तेल लगा ले हाथों पे, उसके बाद शेप देते जाएं और शैलो फ्राई करें तवे पे, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें पलटा के। आराम से फ्लिप करिएगा, पलटाइएगा। और ये शिकमपुर की तैयारी कर रही हूँ, इसमें मैंने फिलिंग ऐड की है, दही, कोथमीर, पुदीना और हरी मिर्च, प्याज कटी हुई। इसे भी शैलो फ्राई कर लीजिए। ये हैदराबाद की स्पेशल डिश है, हर घर में बनती है पर तरीके अपने अपने अलग अलग होते हैं। और ये शिकमपुर है, ऊपर से हार्ड क्रंची और बीच में थोड़ा क्रंच प्याज की वजह से, और मुलायम भी होगा इंशाल्लाह। ज़रूर ट्राई करिएगा, दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।